हे गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन जानेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और कुछ बातें जो है इंटरनल बातें डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पर, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो ये जो सिलेबस मैंने उठाया हुआ है, ये उठा हुआ है JNTU हैदराबाद यूनिवर्सिटी का। हर कॉलेज का अलग अलग सिलेबस, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आप जहाँ से पढ़ेंगे, मैं रिकमेंड करता हूँ उधर के सिलेबस देख लीजिए। सारे का सिलेबस दिखाना इम्पॉसिबल है यहाँ पर, बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं और देर आर सो मेनी अदर ऑटोनोमस कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी, डीम टू बी यूनिवर्सिटी। सो मैंने उठाया हुआ है। तो एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर है, राइट, मतलब सिर्फ CSE है इसमें, स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स नहीं है ये, ठीक है। तो आपको पता है बीटेक में 8 सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, कहने के 6 महीना होता है, लेकिन एग्जैक्टली टाइम आपको 4 साढ़े 4 महीने मिलता है एवरेज में, बाकी टाइम पास हो जाता है। तो पहला सेमेस्टर में हमारा क्या होता है, मैथमेटिक्स 1, केमिस्ट्री, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, इंग्लिश और इंट्रोडक्शन, इंडक्शन टू प्रोग्राम यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर बेसिक प्रोग्रामिंग आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या लगता है आपको, अगर आपने +2 अच्छे से पढ़ाई करा है तो ये कोई डिफिकल्ट लगेगा नहीं आपको। बट समटाइम्स मैंने देखा है मैथमेटिक्स 1 में बहुत सारे बच्चों को रेपियर आता है, बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बाकी आराम से निकल जाएगा, केमिस्ट्री निकल जाता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग निकल जाता है आराम से, इंजीनियरिंग वर्कशॉप पूरा टोटली थियोरिटिकल है, इंग्लिश आराम से निकल जाएगा, प्रोग्रामिंग तो आपका इंटरेस्ट है तो निकलेगा ही, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में आते हैं मैथमेटिक्स 2, ये पास, इसमें इतना रिएपियर नहीं आता है। अप्लाइड फिजिक्स में रिएपियर आ सकता है, बहुत सारे का देखा मैं आता है, बट जो पढ़ते हैं नहीं आता है उनका। प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये डिफिकल्ट लग सकता है आपको। अगर आपको पेंसिल वगैरह यूज करके ड्रॉइंग अच्छा नहीं लगता है तो ये आपको डिफिकल्ट, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट साथ में ये जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, इसको बहुत जगह पर इंजीनियरिंग ड्रॉइंग भी बोलते हैं, ये कुछ जगह पर अच्छा, मतलब कुछ जगह पर इंटरनल होता है, कुछ जगह पर एक्सटर्नल होता है। नॉर्थन इंडिया में बहुत जगह पर इंटरनल होता है इसका, तो इसलिए बहुत अच्छे मार्क्स भी आते हैं बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। बट साउथ इंडिया में इंटरनल नहीं होता, लाइक अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र में, तो इंटरनल नहीं होता, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। जो तो हमारे पास ये आ गया सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब थर्ड सेमेस्टर, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिकल मेथड्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, C++ एंड लास्ट में जेंडर ई लैब्स हैं सारी। तो हमारे पास 3, 2, 5 सब्जेक्ट इसमें आ गए, ठीक है। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। अगर आपका मैथ्स थोड़ा कमजोर है तो मे बी आपको ये आप कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिकल मेथड्स लग सकता है थोड़ा, बट इतना डिफिकल्ट नहीं, आराम से निकल जाएगा। फोर्थ में हमारे पास क्या आ गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, जावा प्रोग्रामिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। तो आप अगर बात करेंगे इसमें से थोड़ा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सेट है, बाकी आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत भी बात नहीं होती है। लेकिन अच्छे अगर टीचर मिलते हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपके लिए। फोर्थ सेमेस्टर हो गया, फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं हम, फॉर्मल लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, वेब टेक्नोलॉजीज, एंड ये प्रोफेशनल इलेक्टिव 1 एंड इलेक्टिव 2। मैं दिखाऊंगा कहाँ पर उन सब्जेक्ट में से एक को सेलेक्ट करना होता है, बहुत सारे पूल ऑफ सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर। इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सेव हो गया हमारा फिफ्थ सेमेस्टर में। सिक्स सेमेस्टर मशीन लर्निंग, कंपाइलर डिजाइन, डिजाइन एनालिसिस एल्गोरिदम, प्रोफेशनल इलेक्टिव 3 एंड ओपन इलेक्टिव 1। ये जनरल मैनेजमेंट सब्जेक्ट होगा आपका, इन जनरल मैनेजमेंट सब्जेक्ट होता है, और ये प्रोफेशनल वाला होगा, मतलब CSE से रिलेटेड होगा। और फिर और एक बेसिक सब्जेक्ट आता है, एनवायरमेंटल साइंस आ जाता है। एंड आपका 7 सेमेस्टर आ चुका है, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा माइनिंग। फिर दो आपका, 3 सब्जेक्ट आपका चूज करना होता है पूल ऑफ सब्जेक्ट से। फिर यहाँ पर एक माइनर प्रोजेक्ट होगा, एंड 8 सेमेस्टर में मेजर प्रोजेक्ट होता है, और इसमें ट्रेनिंग भी होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है 7 सेमेस्टर में इन जनरल, और उसमें सेमिनार भी बुलाया जाता है, मतलब इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ मैं। और ओपन इलेक्टिव 3 एंड प्रोजेक्ट यहाँ पर, मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट आपको बना के देना होता है बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। तो प्रोफेशनल इलेक्टिव 1 में ये आपके पास 5 सेट है, इनमें से एक सेट को चूज करते हैं कॉलेज वाले, इंफॉर्मेशन थ्योरी कोडिंग, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डेटा एनालिटिक्स, इमेज प्रोसेसिंग,
प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो डिफरेंट ए में से एक को चूज करेंगे। सिमिलरली पी टू में भी ए 5 सेट में से एक को चूज किया जाएगा। ये आपका एनएलपी जो होता है, ये बेसिकली एआई का होता है, एआई से रिलेटेड होता है। प्रोफेशनल इलेक्टिव 3 में देख कॉन्करेंट है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग है एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और टेस्टिंग, इनमें से एक सेट चूज करेंगे 3 में। फोर्थ में ग्राफ थ्योरी, इंडस्ट्रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडवोक एंड सेंसर नेटवर्क्स। फिफ्थ में क्या आ गया, एडवांस एल्गोरिदम। ये जो आप देख रहे हैं 5 में से 1 सेट आईओटी भी है यहाँ पर, है सॉफ्ट कंप्यूटिंग है। आईओटी का जमाना चल रहा है भाई, आगे चलेगा इसी का जमाना, बहुत ज्यादा अच्छा इसमें ग्रोथ है और बहुत ज्यादा बोल सकते एक तरह का डिमांड भी है मार्केट में इसका, बट सही प्रोफेशनल की कमी है इस फील्ड में अभी। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, साइबर फॉरेंसिक्स, मतलब ये साइबर फॉरेंसिक्स साइबर रिलेटेड प्रॉब्लम से, मतलब साइबर रिलेटेड क्राइम को पकड़ने के लिए होता है। तो ये आपका था पूरा सिलेबस, और फॉर योर ईज मैं क्या करूँगा आपको, ये जो पीडीएफ है इस वीडियो इस कंटेंट का, मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट अगर काउंट करें कितना पढ़ना पड़ेगा आपको, 3, 2, 5, 6 सब्जेक्ट एंड 3, 4, 5, 6, 5, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
तीस, तीस एंड चार कितना हो गया, 34, 35, 35, 36, 37, 30, 39, 40, 40, 40 हो गया, 41, 41, 42, 43, 43, 44 सारे पढ़ाया था बेसिकली बीटेक में। आप किसी कॉलेज से पढ़े, दो एक दो सब्जेक्ट का डिफरेंस हो सकता है, इतना ही होता है। 43 सेट यहाँ पर दिखा रहा है, 44 कहीं दिखाएगा आपको, राइट। और लैब्स लगभग आपका 20 से 24 लैब पढ़ेंगे आप पूरे बीटेक में। आप कहीं से बीटेक करेंगे तो ऐसे ही रेंज रहता है इसका। अगले कौन से सब्जेक्ट का मैं क्या करूँ, कौन से बोल सकते हो ब्रांच का मैं कंप्लीट वीडियो बना के दूँ, आप मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।